हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऑटो सेक्टर के एक शेयर की बात करना चाहते हैं जिसके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं और जिस वजह से वो शेयर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर होता आ रहा है और शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ क्या होने वाला है इस कंपनी में और कंपनी का फ्यूचर क्या है। और शेयर की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 40 रुपये 45 रुपये के आसपास है। तो आज हम एक ऐसे ही शेयर्स की बात करने वाले हैं। इसके रिटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, वन डे के रिटर्न आज की डेट में ही 13% की उसमें जंप है, 1 वीक में 38%, 1 मंथ में 52, 3 मंथ्स में 87.06, 6 मंथ में 97% और 5 ईयर्स में देख लीजिए 105% और 10 ईयर में 10 ईयर में 192.24% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। तो ये कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करती आ रही है। ओके, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में आपके बारे में हम बात करेंगे। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाई 0.46%। तो शेयर होल्डर्स जो उसके होते हैं, जो इसके प्रमोटर्स होते हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ हमारे कंपनी में काफ़ी दम है और कुछ ना कुछ हमारी कंपनी में आगे चल के बड़ा होने वाला है। क्योंकि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो जस्ट इन्वेस्ट करते हैं। ओके, बट जो प्रमोटर्स होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, इन्हें पता होता है कि हाँ कंपनी में क्या चल रहा है क्या होने वाला है, तो इसलिए वो इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मार्च 2020 में 48.91% की हिस्सेदारी थी जो इन्होंने चेंज करके 0.46% से बढ़ाई है, मतलब 49.37%। तो 40.46% में भी इनके करोड़ों के शेयर्स होते हैं कि इतने करोड़ों के शेयर्स, लाखों के शेयर्स इन्होंने बढ़ाए हैं। FIIs ने जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ने कम करी है अपनी हिस्सेदारी, अब पहले 7.64 थी, अब 6.77 है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी 0.15 से डिक्रीज करी है। इंश्योरेंस कंपनी ने सेम रखी है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 0.04 से बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी 0.53% से बढ़ाई है। तो आइए हम उस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और उससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, अब ये कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो हम एक दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, एक दिन में ही 13.38%, और शेयर की कीमत कितनी है, केवल 45 रुपये के आसपास, 44.9 रुपीज़ का ये शेयर है। तो काफ़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 5 दिनों में भी 32 रुपीज़ का चलता था और आज तो ये काफ़ी अच्छा शेयर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस विद इन 1 मंथ विद इन इसने दिया है। और 6 मंथ में देखिए, जब गिरावट से पहले ये 40 रुपीज़ का चलता था और गिरावट हुई, अपना पेंडामिक आया तो ये लगभग लगभग 22 रुपीज़ में आया और फिर उसके बाद देखिए क्या इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, और लगभग लगभग ये अभी 44, मतलब इसने 100% तक के रिटर्न दिए। जहाँ ये 22 का था, आज ये 44 का है। तो विद इन 3 to 4 months 100% के रिटर्न इसने दिए। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न कुछ खास नजर आ नहीं रहा है। 2010 में जब ये NSE में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, तो ये 14 रुपये का शेयर था, आज 44 का है। तो कुछ खास, ये बीच में 99 पे, 2018 में भी 99 रुपीज़ पे आई थी, फिर उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। जैसे कि ये ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड ये शेयर है, तो ऑटो इंडस्ट्री पिछले कई साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। ओके, जिसकी वजह से ये कंपनी में भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। अब एक बार इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और ये इसके कस्टमर्स को ना एक बार उनकी तरफ नज़र मार लेता है। देखिए, यहाँ प्रोडक्ट्स देखिए, जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ स्प्रिंग्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ, तो ये वाइड रेंज ऑफ स्प्रिंग्स जो व्हीकल्स में लगते हैं उसमें डील करता है। तो देखिए, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए काम करता है, मीडियम, लाइट कमर्शियल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रेलर एंड एयर सस्पेंसिव सिस्टम, तो इस चीज के ये प्रोडक्ट्स ये बनाता है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में थर्ड नंबर की बड़ी कंपनी आती है। तो इसके कस्टमर्स भी देखिए, तो जमुना ऑटो एक्सपोर्ट ऑटोमोटिव पार्ट्स
टू मोर देन 50 कंपनीज इन ओवर 25 कंट्रीज। तो 25 कंट्री से भी ज़्यादा कंपनियों में ये देशों में ये 50 कंपनीज में शेयर ये अपने पार्ट्स को भेजती है। सम ऑफ द लार्ज कस्टमर्स ऑफ JAI एज फॉलोज। तो जैसे टाटा मोटर्स का आपने नाम सुना है, अशोक लेलैंड का आपने नाम सुना है, सुजुकी का नाम आपने सुना है, एशियन मोटर्स, वोल्वो, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड, ये US की कंपनी है, डैमलर AG जर्मनी की कंपनी है, UD ट्रक्स जापान की कंपनी है। तो देखिए ये इसके कस्टमर्स भी कितने बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, वॉल्वो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सुजुकी। तो आप देखिए ये कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। और आपको जैसे कि मैंने बताया हिस्सेदारी, प्रमोटर्स ने जो अपनी हिस्सेदारी है 0.46% से बढ़ाई भी है इसी इसी में, जून में ही, 2 महीने पहले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच के ही बढ़ाई होगी कि उनका शेयर काफ़ी कम में मिल रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एक ही रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ उनका जो अभी मीटिंग्स होने वाली है कुछ ऐसा, वो आगे फ्यूचर में उनकी ऐसी डील हो कि हाँ उस उन्हें उन्हें ही पता है और आगे उस डील से इन्हें काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। तो ये एक बार हम इसके आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए 52 वीक लो 21 रुपये का ये एक 24 मार्च को शेयर मिल रहा था, और 52 वीक हाई इसका नवंबर में था 49, बट अभी भी 44, ये 52 वीक के आसपास ही है। पी रेशो की बात कर लेते हैं, तो पी रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा है, 103.68, और पी रेशो 35.08 सेक्टर जिस सेक्टर में काम करती है उसका। तो पी रेशो कभी मैं मायने नहीं रखता, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है पी रेशो, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करिए, देखिए, बट इसे नज़रअंदाज करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डिलीवरी क्वांटिटी की एक बार बात करी जाए, तो आज की डेट में ही 38% की डिलीवरीज शेयर्स उसके उठाए गए हैं। एक बार हम इसके कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि बताया था कि इंक्रीज़ करिए 0.46% से, तो उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज़ दिखाई दे रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग्स यहाँ पर 50.63% की है। इसके अलावा गिरवी, ये भी इन इस पर भी नज़र रखिए कि इन्होंने 3.57% की यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बेच गिरवी भी रख रखी है, प्लेज भी कर रखी है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि 25% तक ये चलता है, और कभी कभी गिरवी इसलिए भी रखना पड़ती है, कुछ इनके रीज़न भी होते रीज़न हो सकते हैं। बट अगर ये 3.57 को इतना बड़ा है नहीं, बट इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड की बात की जाए, 2018 में 0.50 पैसे का डिविडेंड दिया है, 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया है इन्होंने, 45 पैसे और 18 पैसे का, 2020 में 22 पैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि 21 सितंबर 2020, मतलब अगले महीने एनुअल जनरल मीटिंग है इनकी। अब इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उनकी जनरल मीटिंग है 21 तारीख को, तो 21 तारीख को कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस जो इसका हाई हमने देखा था कि 9900 के आसपास था, तो वहाँ तक चला जाए और उससे भी ज़्यादा चला जाए। तो इस चीज़ पर नज़र, और इस डेट का अनाउंसमेंट और इस मीटिंग पर नज़र हमें रखनी होगी, 21 सितंबर में शायद कुछ बड़ा हो सकता है। इसके अलावा एक बार बैलेंस शीट की बात कर ली जाए, तो रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स इस कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 386, 474 और अभी 481.92% करोड़ के इसमें इसके पास रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए, पिछले साल डेट केवल 1.5 करोड़ का था, बट इस बार डेट जो कि अब प्लेज में हमें दिखाई दिया है 1.26, 126.39 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर आपको दिखाई दिए, 126.39 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर डेट है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए, तो कैश एंड बैंक बैलेंस भी इनका घटता हुआ है 3.5 करोड़ रुपीज़ के। तो बैलेंस शीट कुछ इसकी खास नहीं है, बट जो चीज़ है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो इसकी तरफ हमें प्रमोटर्स ने बढ़ाई है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और 21 सितंबर को जैसे कि मैंने बताया इसके न्यूज़ भी है, तो इसकी तरफ भी ध्यान हमें देना होगा, तो शायद कुछ बड़ा इसमें हो सकता है। तो ये जमुना ऑटो से रिलेटेड हमारी बातें थी आज। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी एफर्ट आपको अच्छे लगे हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ओके, इसके अलावा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, और ये पेज हमारा फेसबुक पर भी है, तो उसे भी जाके आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।